आगको पार्वण परे स्थित आउ एही समय सतर्क न रहिले देशरे कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइबो एपरिक मासक भितरे 26 लाख नुआ संक्रमित चिन्हट हेबाने सतर्क कराई देछंती केन्द्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ कमिटी तेबे नीति आयोग सदस्य वीके पॉल द्वारा गठित 10 जनिया कमिटी एहा कहछंती एपरिक शीत देशरे कोरोनार द्वितीय लहर आसिबार संभावना अछि एपरिक शीत दिने स्वास्थ्य जनित रोग अधिक होबार संभावना थाए आउ एपरी हेले कोरोना संक्रमण भयावह हेबो। सारा विश्व रे जारी रहिछि कोरोना आतंक विश्ववासी कोरोना टीका को अपेक्षा करितबा बळे एबे एहा कोनी आसीछि भल खबर टीका प्रस्तुत करथुबा पुणे रो सीरम इंस्टिट्यूट दाबी करिछि जे 2021 मार्च सुद्धा टीकार चुडांत परीक्षा होइछिबो किंतु ता पूर्वरु डिसेंबर शेष सुद्धा प्राय 30 कोटी टीकार डोज प्रस्तुत होइछिबो। कोरोना टीका नै आसिला भल खबर सीरम इंस्टिट्यूटर दाबी डिसेंबर शेष सुधा प्रस्तुत हो 30 कोटी कोरोना टीका 2021 मार्च सुधा हो वैक्सीन रो फाइनल टेस्ट सारा विश्व रे महामारी आतंक भितर ये एमती खबर जहां मो देशवासी को देव आश्वस्ति बहु देश कोरोना टीका उत्पादन पर जोरसोर चल गवेषणा केवल भारत में तीन टी टीका एडवांस स्तर में अच्छी या भितर पुणे सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया कर बड़ दाबी एसएसआई रो कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर सुरेश यादव कहते भारत में डिसेंबर से सुधा 20-30 कोटी टीकार डोज तैयारी हो मार्च 2021 सुधा वैक्सीन रो फाइनल टेस्ट हो एसएसआई रो सीईओ अदार पुनावाला बयान को आधार करी डॉक्टर सुरेश यादव कहते जे सीरम इंस्टिट्यूट गोटे वर्ष में 70-80 कोटी टीकार डोज प्रस्तुत कर प्रतिष्ठान टीका उत्पादन आहुरी बढ़ाई भी पारे किंतु एथिरे किछि समय लागिबो। डॉक्टर यादव आहुरी कहिछन्ति देश पई भलो कथा जे तीनटी फार्मा कंपनी कोरोना टीकार निर्माण रे लागिछन्ति एथि मध्यरु दुइटीर क्लिनिकल ट्रायल तृतीय स्तर रे अछि। डॉक्टर यादव कहिछन्ति तृतीय स्टेज क्लिनिकल ट्रायल रो फलाफल चलित वर्ष डिसेंबर रो द्वितीय बा तृतीय सप्ताह रे सीरम इंस्टिट्यूट को मिलि जिवो ए सूचना को सर्वसाधारण करा जिबा सह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात डीसीजीआई को लाइसेंस पाई पठा जिवो। साधारणतः कोनोसी टीका बाजार को आसीबा को 8-10 वर्ष समय लागे एहा तृतीय थर हेबो जेतेबेले भारत को एते शीघ्र टीकार आवश्यकता पड़िछि। पूर्वरु 2009 रे H1N1 टीका समय रे एमिती होइथिला आउ द्वितीय थर इबोला वैक्सीन समय रे क्लिनिकल ट्रायल संपूर्ण हेबा पूर्वरु बहु परिमाणर टीका उत्पादन पई अनुमति देथिबारु भारत सरकार को धन्यवाद देछंती डॉक्टर यादव एहा फल रे ट्रायल सफल हेबा क्षणी लोकन को टीका जोगाण करा जाई पारिबो एथिरे आउ समय जीव ना स्वाभाविक प्रक्रिया रे जाइथिले लाइसेंस मिलबा परे बाजार को उत्पाद आसीबारे 7-8 मास समय लागि थांता। से कहिछंती डिसेंबर सुधा भारत रे 20-30 कोटी कोरोना टीका उत्पादित होइ सारिथिबो डीसीजीए पक्षरु लाइसेंस मिलबा परे प्रति मास प्राय 6-7 कोटी टीकार डोज उत्पादित होबो। आपण को कहि रखुछु कोरोना भाइरस विपद सह लड़ाई पई सीरम इंस्टिट्यूट 5टी भिन्न भिन्न उत्पाद उपरे काम करूछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। केन्दुझर जिला घसीपुरा थाना धकोठा गांव में विद्युत आघात में जड़े युवकों मृत्यु हो मृतक होती गांवर कान्हू पलई कान्हू निज घरे फैन सजाड़ा समय विद्युत आघात लगी पर लोक उद्धार कर तुरंत आनंदपुर हस्पिटाल भर्ती करते हैं डाक्तर मृत घोषणा कर बलांगीर जिला कंटाबांझ पुलिस एक बाइक राकेट को धरवे सफल हो मामलें पुलिस तीन जन को गिरफ्त करी कोर्ट चलाण करवर आउ एक चोरी मामलें सुरत पुटेल गिरफ्त होता गिरफ्त हो अभुक्त शिव प्रधान प्रभात कुमार बेहरा और हीरालाल पुटेल एमंठू पुलिस सतट बैक् जबत कर सांबादिक सम्मेलन में सूचना पुलिस बेलपड़ा थाना एरिया रे किछि दिन हो गोटे बाइक थेफ्ट ग्रुप एक्टिव थिले तांको आज रेंडेडेंटली धरा आइछे शिव प्रधान पाखु आम चारटा बाइक आ प्रभात बेहरा पाखु दुईटा आ जनक पाखु गोटे बाइक सीज हो बाइक सीज हे